हेलो एवरीवन, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पे एक राज नाम का लड़का रहा करता था। राज वैसे तो बहुत ही तेज और बहुत ही बुद्धिमान लड़का था, लेकिन उसे इस चीज का जरा भी घमंड नहीं था और वो सबसे बहुत ही सहजता से और तल्लीनता से बात किया करता था। और उसके कई दोस्त भी थे। वो बड़े लोगों को बहुत इज्जत मान सम्मान दिया करता था और अपने से छोटों को भी वो काफी मान सम्मान के साथ ही उन्हें बुलाया करता था। अब एक दिन राज के दोस्तों ने उसे एक खेल खेलने के लिए अपने साथ बुलाया। राज जब वहां गया अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, तो उसको पता चला कि ये एक नया खेल था जो कि राज के दोस्तों ने उसके लिए बनाया था। जैसे कि राज के दोस्तों ने उनको कहा कि ये एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ था एक, और हर किसी को इस पहाड़ को पार करना है। हर किसी को उस पहाड़ को पार करना था, मतलब उस पहाड़ के उस पार जाना था, ये गेम था, और जो पहले पार कर लेता वो विजेता होता। अब राज ने ये देखा कि ये पहाड़ है और सभी दोस्तों ने देखा, तो सभी दोस्त एक स्ट्रेटजी बनाने लग गए मिलके। लेकिन राज तभी बोला कि ये खेल काफी अच्छा है, लेकिन हर किसी को अपनी अपनी राह चुनना चाहिए। राज ने अपनी राह खुद चुनी और उसने चलना शुरू किया, और बाकी जो सारे दोस्त थे उसमें से कुछ ने उनकी बात मानी, कुछ ने नहीं मानी। तो कुछ तीन चार जो दोस्त थे वो साथ में एक स्ट्रेटजी से चल रहे थे एक साथ मिलके, और कुछ लोग अपनी अपनी राह पे, राज अपनी राह पे और दो चार लोग और उसके जो दोस्त थे वो अपनी अपनी राह पे चलने लगे। कुछ लोगों ने चूज किया कि वो डायरेक्ट पहाड़ को सीधे चढ़ेंगे, बिल्कुल चढ़ाई। कुछ लोगों ने चूज किया कि वो सीधे सीधे चल के जाएंगे। कुछ लोगों ने चूज किया कि उसको नीचे से पार करेंगे। तो राज ने अपना मार्ग चुना कि मुझे ये वाला मार्ग लेना है, और उसने चलना शुरू किया। अब सभी दोस्तों ने एक साथ चलना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग जो ग्रुप में थे तीन चार लोग, वो थकते गए और बैठते गए, और कोई भी पहाड़ की चोटी तक भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन राज अपने रास्ते से, अपनी चॉइस से लगातार चलता रहा, और उसने फाइनली पहाड़ की चोटी को टच भी किया, और पहाड़ के दूसरी तरफ बहुत ही आसानी से उतर भी गया। ये एक कहानी है जो कि हमको इस बात का उद्देश्य सिखाती है कि हमको किसी को भी कॉपी नहीं करना चाहिए, अपने खुद के तरीके बनाने चाहिए अपनी जिंदगी को जीने के, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है। हमें लगता है कि लाइफ सेम है, लेकिन आपकी लाइफ अलग है, आपके दोस्त की लाइफ अलग है। तो आप जो रास्ता चूज करोगे, जरूरी नहीं है आपका दोस्त भी वो रास्ता चूज करके सक्सेसफुल हो जाए, और जो आपके दोस्त ने चूज किया है ये भी जरूरी नहीं है कि आप उस रास्ते को चूज करके सक्सेसफुल हो जाओ। इसलिए इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने रास्ते खुद चुनो और अपने रास्ते पे खुद चलना सीखो, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल कहानी को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।